माननीय विदेश मंत्री महोदया, मीडिया के उपस्थित मित्रों, आज आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में 10 से 12 सितंबर इस वर्ष मनाया जाएगा। देश विदेश के प्रतिभागी इसमें शामिल होते हैं, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो, जिन्होंने उसके योगदान में प्रचार प्रसार में योगदान दिया हो। आज हम शामिल हुए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट के लोकार्पण हेतु। पहले के सम्मेलनों की तुलना में यह वेबसाइट आधुनिक है और एडवांस है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मीडिया के उपस्थित मित्रों को सम्मेलन के बारे में तथा इस वेबसाइट अपने विजन के बारे में अवगत करें। मित्रों, आपको अब तक ये तो पता लग ही गया है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10, 11, 12 सितंबर को भोपाल में हो रहा है। मैं पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा बता दूं कि विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत 1975 से हुई, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। कायदे से तब से लेकर आज तक 40 वर्ष हो गए। ये तय हुआ था कि 3 वर्ष के अंतराल पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ करेगा, तो अब तक 13 सम्मेलन हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों में कुछ ऐसा रहा कि कभी 4 वर्ष बाद, कभी 6 वर्ष बाद, कई कई अंतराल, दो दो अंतराल भी इकट्ठे निकल गए, और इसी कारण से अभी तक 13 नहीं 9 ही विश्व हिंदी सम्मेलन हो पाए। और पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अभी तक जो 8-9 सम्मेलन पहले हुए हैं, उनमें से 2 भारत में हुए, 2 मॉरिशियस में हुए, जहाँ विश्व हिंदी सचिवालय भी है। 1 सुरीनाम में हुआ, 1 त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ, 1 लंदन में हुआ, 1 न्यूयॉर्क में हुआ और 1 जोहान्सबर्ग में हुआ। तो पिछली बार जब जोहान्सबर्ग में हुआ तो तय कर दिया गया था कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में होगा। अब हमको तय करना था कि भारत में हम कहाँ करें, तो सारी चीजें सोच विचारने के बाद हम लोगों ने भोपाल को चुना। एक तो भोपाल भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, हिंदी भाषी राज्य है, और भारत का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित हुआ है। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं मोह का पुट भी जरूर रहा होगा मेरे चयन में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हूँ लोकसभा में, तो हमने भोपाल को चुना। ये इन 9 सम्मेलनों की पृष्ठभूमि है। और जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं वो एक मायने में अलग है, क्योंकि अभी तक जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए वो लगभग साहित्य के इर्द गिर्द घूमते रहे। साहित्य की भाषा, साहित्य के इडियम, साहित्य के मुहावरे, साहित्य की चीजें, उनका प्रकाशन। लेकिन पहली बार हमने इसको थोड़ा अलग हट करके हिंदी की क्षमताओं के ऊपर बात करने की बात की है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता रहा, विशेष तौर पर विदेश मंत्री बनने के बाद जब मैं बाहर जाती थी, कि अगर चीनी अपनी भाषा चीनी में सारा विज्ञान पढ़ा सकते हैं, अगर जैपनीज जापानी में सारी पढ़ाई पढ़वा करके शिखर पर पहुंच सकते हैं, जर्मन जर्मनी में पढ़ाई करवा सकते हैं, फ्रेंच फ्रेंच में इसको पढ़ा सकते हैं, अगर उन देशों में उनकी अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई और बाकी सारी शिक्षा हो सकती है, तो हम अपनी भाषा को इतना अक्षम क्यों मानते हैं कि हमने तय कर दिया है कि विज्ञान की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई केवल अंग्रेजी से होगी। और उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है वो उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारी हिंदी माध्यम से की है, और अगर वो हिंदी माध्यम के बाद विषय अंग्रेजी में पढ़ते तो भाषा और विषय दोनों की जानकारी का बोझ उनके ऊपर पड़ता। ये बहुत बड़ी कमी है। तो इसलिए इस बार मैंने विषय रखा हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, यानी हिंदी की संभावनाएं जो है उन सबके बारे में चर्चा करें और उसका विस्तार कैसे हो। तो मुख्य विषय है हिंदी जगत - विस्तार एवं संभावनाएं, और उसके उपविषय हैं विदेश नीति में हिंदी। अब आप हैरान होंगे कि विदेश नीति में ICWA, जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है, वो पुस्तकें निकालता है। जब पहली बार मैं विदेश मंत्री के नाते वहां बुलाई गई और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कितनी पुस्तकें अभी तक हिंदी में निकलवाई, तो जवाब आया एक भी नहीं।
जब मैंने कहा अच्छा कितनों का अनुवाद कराया तो जवाब आया एक भी नहीं। जब मैंने कहा कितने शोध पत्र या लेख लिखे गए तो जवाब आया एक भी नहीं। तो मैंने कहा मैं समझती थी कि हिंदी का वर्चस्व के अंग्रेजी का वर्चस्व है विदेश नीति पर, लेकिन आपकी बात सुनकर तो लग रहा है कि अंग्रेजी का आधिपत्य है, एकाधिकार है। तो आप ये मानकर बैठे कि विदेश नीति हिंदी में नहीं समझाई जा सकती। मैंने कहा मैं तो शुद्ध हिंदी में बात करती हूँ, चाहे संसद में बात करूं चाहे बाहर बात करूं। प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा को भी उन्होंने हिंदी में संबोधित किया। और मैंने कहा कि मेरी भाषा नीति मैंने पहले दिन से ही अपनाई कि जितने भी विदेशी अतिथि आते हैं जब वो अंग्रेजी में मुझसे बात करते हैं तो मैं अंग्रेजी में करती हूँ, क्योंकि किसी भाषांतरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बोलते हैं मैं समझती हूँ, मैं बोलती हूँ वो समझते हैं। लेकिन अगर कोई जापान से आकर जापानी में बोलता है, अरब वर्ल्ड से आकर अरबिक में बोलता है, चाइनीज यहाँ आकर के चाइनीज में बात करता है, रशियन रूसी में बात करता है, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ। मैं उसको ये क्यों कहने दूं कि भाई मेरे देश की भाषा अंग्रेजी है? अगर तुम्हें रूपांतर ही चाहिए, भाषांतर ही चाहिए, तो वो अंग्रेजी से क्यों हो, वो हिंदी से क्यों नहीं हो? और मैंने अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप ये जितनी भाषाएं हैं विदेश की उनसे हिंदी रूपांतरकार, हिंदी भाषांतरकार तैयार करिए। तो इसीलिए हमने जो इस बार विषय रखा वो हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, और उसके उप विषय रखे विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान में हिंदी, मीडिया में हिंदी, बाल साहित्य में हिंदी, इस तरह के सारे विषय निकाल करके उनमें हिंदी, और इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता, एक सत्र ये भी रखा। एक तो हिंदी आ नहीं रही और जो आ रही है वो खिचड़ी आ रही है। अगर आप समाचार पत्रों में देखें तो व्याकरण आपको हिंदी का मिलेगा, शब्द सारे अंग्रेजी के मिलेंगे। मतलब हर जगह हम अक्षमता दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास शब्दकोश ही नहीं है, उसका कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं है, हम उसमें अंग्रेजी डालते हैं। तो इस तरह के हम लोगों ने इस बार रखे हैं विषय, करीब हमारे 28 सत्र इसमें होंगे, जिनमें कई सत्र हम दो दो सत्रों को मिलाकर एक एक विषय के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग एक नया स्वरूप आपको विश्व हिंदी सम्मेलन में देखने को मिलेगा। आप में से बहुत से पत्रकार साथी पहले विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी गए होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि इस बार बिल्कुल एक अलग ढंग का हम लोगों ने विश्व हिंदी सम्मेलन की संरचना की है, परिकल्पना की है। उसी के लिए हम लोगों ने एक बार जो वेबसाइट बनाई है वो भी बिल्कुल अनोखी और अलग बनाई है, और एक हमने इसमें शुभंकर से अंग्रेजी में आप लोग लोगों कहते हैं उसको हिंदी में हम शुभंकर कहते हैं, वो भी हमने तैयार करवाया है। तो उसके लिए अब नई परंपरा जैसे चली है कि हम एक प्रतियोगिता करवाते हैं, ऑनलाइन प्रतियोगिता, और उसमें फिर जितने आते हैं तो कह रहे हैं 1000 प्रवेश आए, मुझे बता रहे हैं 1000 प्रविष्टिकाएं आई, और उन 1000 प्रविष्टियों में से फिर उनको थोड़ा थोड़ा छांटते 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 अंत में एक जो बहुत सुंदर हमको लगा उसको हमने यहाँ स्वीकारा है, और जिसने उसको बनाया है संयोग से वो भी महिला है, ख्याति गुप्ता नाम है उनका, उनको भी हमने आज बुलाया है, हम उन्हें यहाँ पुरस्कृत भी करेंगे आज जब हम उसका अनावरण करेंगे। तो ये कार्यक्रम दो कामों के लिए है, वेबसाइट का लोकार्पण और शुभंकर का अनावरण, ये दोनों काम अभी हम करेंगे। तो वेबसाइट के जो इस बार उल्लेखनीय चीजें हैं जो आम वेबसाइट्स में अभी तक नहीं आई, मैं चाहूंगी हमारे संयुक्त सचिव हिंदी, ये भी एक नया पद सृजित किया है हमने अपने यहाँ विदेश मंत्रालय ने, संयुक्त सचिव हिंदी संस्कृत, ये दोनों को देखते हैं हमारे मृदुल कुमार जी, हाँ हिंदी संस्कृत, तो मृदुल कुमार जी उसको देखते हैं। इस वेबसाइट के जो भी आपके उल्लेखनीय तत्व हैं उसके बारे आप बता दीजिए, उसके बाद हम लोकार्पण भी करेंगे शुभंकर का और वेबसाइट का भी अनावरण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सामान्य तौर पर देखा गया है कि एक भाषा के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आप जोड़ देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको कोई नया काम करना है, कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी का काम करना है तो अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो विदेश मंत्री महोदय ने हमें चैलेंज दिया कुछ दिनों पहले कि जो हिंदी का सम्मेलन हम कर रहे हैं ना भूतों का लोग का कॉन्सेप्ट बना के दिया, तो इस चैलेंज को हमने स्वीकारा और हमने कहा कि जो सबसे पहला इंटरफेस आम आदमी के साथ आता है किसी भी कॉन्फ्रेंस के रूप में वो उसकी वेबसाइट होती है। हमने कहा कि वेबसाइट को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि वो अपने आप में एक अनूठा प्रयास हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वेबसाइट हमने बनाई है ये NIC के द्वारा होस्ट की जा रही है,
और इसमें जो लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी है जिसे मेघराज कहा जाता है उसके थ्रू ये वेबसाइट मैनेज की जा रही है। दूसरी बात यह है जो देखा गया है आमतौर पर वेबसाइट्स निर्जीव होती हैं, एक डायमेंशनल होती हैं। तो जो वेबसाइट का ऑर्गेनाइजर है वो आपको बताता है कि वेबसाइट में क्या है, आप उसको पढ़ते हैं और वो एक एक तरफा माध्यम होता है आपके साथ बातचीत करने का। लेकिन हमने इस वेबसाइट में सजीवता लेके आए हैं, दो तरफी माध्यम हमने इसमें जनरेट करने की कोशिश की है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमने वो दो तरफी माध्यम बनाने की कोशिश की है। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनको हमने एक वेब आईडी और पासवर्ड देंगे। आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं इस वेबसाइट पर तो आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, और आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में, अपने पार्टिसिपेशन के बारे में बताना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डेट तक, वो लगातार आप उस पासवर्ड और वेब लॉगिन आईडी के थ्रू एक वेब पेज हम उनके लिए क्रिएट करेंगे और उसमें आप लगातार अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। जब अपनी जानकारी आप उसमें डालते जाएंगे तो हमने उसके लिए उसके बाद क्या किया है कि वो सारी जानकारी हम बैक एंड प्रोसेसिंग के थ्रू अलग अलग फील्ड्स में जनरेट करेंगे, और वो सारी फील्ड्स हमारा जो एंड यूजर सर्विस प्रोवाइडर है उसको मदद करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहले क्या होता था कि आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते थे और उस फॉर्म को फिजिकली भारत सरकार के पास भेजा करते थे किसी भी कॉन्फ्रेंस पे, ऐसा जनरली किया जाता था। इस बार हमने क्या किया कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, आपको वेबसाइट पर ही एक डायनेमिक पेज मिल जाता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लगातार अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे वक्त की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन फाइनली हम अलग अलग फील्ड्स में जनरेट करके एंड यूजर की तरह रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा हमने माध्यम चुना है जिसके थ्रू आप और मैं दोनों बातचीत कर सकते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजर आप मेरी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और एज आपको प्रतिभागी होने के नाते मेरे से क्या आपकी अपेक्षाएं, वो सारी हम एक दूसरे के साथ बातचीत करा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक भारत सरकार में जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हुई हैं कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, उन सभी वेबसाइट्स में जनरली पेमेंट भी चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से की जाती है। तो हमने इस बार एक नया प्रयास करने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि ये जो वेबसाइट बनाई है इसमें देश विदेश के प्रतिभागी होंगे और हिंदुस्तान के भी प्रतिभागी होंगे। तो आज तक जो हमारी विदेश मंत्रालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था पहले टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल का, उसमें उन्होंने विदेश के जितने भी वीजा रिक्वेस्ट आती हैं उनकी पेमेंट के लिए पोर्टल तो बनाया, लेकिन जो हिंदुस्तान से वीजा, हिंदुस्तान से जो रिक्वेस्ट आती है जिसमें भारत सरकार को आप किसी भी सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं, वो नहीं था उसमें। तो हमने सोचा कि अगर हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें ना केवल बाहर के लोग अभी तो हिंदुस्तान के जो भी आदमी हैं अगर कोई सर्विस भारत सरकार से लेना चाहते हैं वो भी सीधे के सीधे पैसा भारत सरकार के अकाउंट में किसी तरह से जमा करा सकें, तो एक बहुत बड़ा पेपर वर्क, अननेसेसरी जो हम पेपर वर्क अपने लिए जनरेट करते हैं और लोगों के लिए जनरेट करते हैं और असुविधा बनाते हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया इस वेबसाइट में कि विदेशों के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड और भारतीयों के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड और जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है उसके थ्रू वो पेमेंट करेंगे, और उनकी जो पेमेंट फीस है वो सीधे भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अनूठा प्रयास है और ये पहले कभी किया नहीं गया है। इसके अलावा जो आजकल नए फीचर्स हैं जैसे सोशल मीडिया की बात है, ट्विटर है, फेसबुक वगैरह, ये सब फैसिलिटीज हमने इस वेबसाइट पर डालने की प्रयास किया है। जब इवेंट होएगा तो उसके टाइम पर हम वेब स्ट्रीमिंग की भी इसमें फैसिलिटी डालेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो जैसे विदेश मंत्री महोदय ने आपको बताया कि हिंदी को साहित्य से बाहर निकालकर कैसे आम जनता के साथ जोड़ा जाए, और वो तभी जोड़ सकते हैं जब आप हिंदी को उस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के पास लेकर जाए। तो हमारा जो प्रयास है इस वेबसाइट के माध्यम से वो ये है कि हम लोगों को ये बता सकें कि हिंदी में भी इस तरह का काम किया जा सकता है। जैसे एक और चीज है जो हमने नई की है, जो आदमी रजिस्टर करता है तो जनरली एक ही भाषा में वो रजिस्टर करता है अपने आप को, इसमें हमने प्रयास किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रजिस्ट्रेशन पेज उसको अवेलेबल हो, ताकि जो हिंदी भाषी है वो हिंदी भाषा में समझ के उसको भर सकें और जो अंग्रेजी भाषी है वो अंग्रेजी भाषा में समझ के भर सके। तो इस तरह से जो अगर आप वेबसाइट देखें तो ना केवल ये कटिंग एज वेबसाइट है बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिसमें जो आप आपके समय में व्यस्तता होती है जब आप भारत सरकार से या किसी ऐसे सरकारी महकमे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी व्यस्तता आपकी समय की निकल जाएगी। यहां तक कि हमने इस वेबसाइट में एक और अनूठा प्रयास किया है कि आप अपनी फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर भी उस पर अपलोड कर सकते हैं। उसका उसकी एडवांटेज ये है कि हिंदुस्तान में तरह तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी के फोटो आइडेंटिटी पास बनाने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि आपके मान लीजिए 2000 आदमी आ रहे हैं तो सभी को एक जगह जाकर फोटो खिंचवानी पड़ती है। अब अगर आपने अपने आप ही अपनी फोटो को अपलोड किया हुआ है
तो मुझे आपको बिना बात के बुलाकर टाइम आपका खराब नहीं करना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे साइट के ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अनूठे प्रयास हमने इस वेबसाइट में किए हैं जो मुझे लगता है कि लोगों द्वारा सराहनीय रहेंगे और लोगों की सुविधा के लिए भी काफी कारगर साबित होंगे। अब मैं विदेश मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर रिबन काटें और वेबसाइट का लोकार्पण करें। सर कुछ रोबोट से होने लगा तो जाके करना ना कैंची न प्लेट कुछ है, सब कुछ यहीं से कट गया। चलना थोड़ा देखें इसको फिर ले बोला लोगों पूरा कलर के साथ एक पे केवल लोगों लोग मयूर के रंग में जा रहे थे अच्छे से। मैं प्रार्थना करूंगा ख्याति गुप्ता जी से कि वो आगे आए। आप यहाँ देख रहे हैं लोगों सामने लगाई मयूर है और उस पर दसवां लिखा है पूरे ग्लोब में भारत मोर मयूर वही है मोर है ये खुद बताएंगे क्या है ये शुभंकर है। बताइए क्या दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगों के निर्माण में इस सम्मेलन के लक्ष्यों और मूल भाव को समाहित किया गया है और इसलिए यह लोगो हिंदी में सृजित किया गया है। इस लोगो में दिखाए गए मयूर के पार्श्व में जहां एक और यह विचार रहा कि यह भारत का राष्ट्र पक्षी है वहीं दूसरी तरफ यह विचार भी प्रमुख रहा कि यह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का वाहन है और जिसके चमकते अनोखे और अनूठे पंख भारतवर्ष की विविध एवं रंग बिरंगी परंपराओं तथा संस्कृति के द्योतक हैं। लोगों में दिखता अंक 10 दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन को दर्शाता है क्योंकि यह सम्मेलन भोपाल में होने वाला है इसलिए अंक 10 के अंदर समाये ग्लोब में विशिष्ट रूप से भोपाल को अंकित किया गया है। सरस्वती का वाहन हंस है ये मन मयूर है ये मन मयूर सुंदर पक्षी है राष्ट्रीय पक्षी है और मन मयूर हमारा नाच रहा है। 50,000